साथियों, मेरा नाम है राम लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल BBS वाला, जिसमें आज आप देखेंगे सिंपली सपोर्टेड RCC वॉइडेड स्लैब का ये स्टेजिंग अरेंजमेंट जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ स्टील प्लेसिंग करना बाकी है, बाकी सारे स्टेजिंग का जो अरेंजमेंट है कंप्लीट हो चुका है। इसका जो लेंथ है 19 मीटर का है और इसका जो विथ है बैरिज है 12 मीटर 270 से यहाँ पे 13 मीटर 234 है। इस स्ट्रक्चर का दोस्तों मैंने एक डिटेल डाइमेंशनल ड्राइंग पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डाइमेंशनल डिटेल ड्राइंग दोनों एंड पोर्शन में कैंटिलीवर पोर्शन का, इसमें कितना नंबर ऑफ वॉइड पाइप आएगा, वॉइड पाइप का डाया क्या है, उसका जो डाया है 8 mm का है, सभी डिटेल मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखने से आपको पूरा डाइमेंशनल डिटेल ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आज मैं आपको इसमें जो शटरिंग अरेंजमेंट किया गया है एज पर ड्राइंग के अनुसार, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये P18 है। जब हमारा वो वीडियो देखेंगे इसके पहले वाला जो मैंने बनाया है, P18 पे कितना परसेंट का सुपर एलिवेशन है और वहाँ पे A2 है, A2 पे कितना परसेंट का सुपर एलिवेशन है। ड्राइंग में जो सुपर एलिवेशन दिया हुआ है P18 पे 5.35 का परसेंट है। और वही दोस्तों, ये A2 साइड है जिसमें एक साइड यहाँ पे 50 mm मिनिमम दिया हुआ है ड्राइंग में, मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। और दूसरे साइड यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन है 1.46 है, तो इसका जो बॉटम विथ है इस एंड से और वहाँ तक 7.5 मीटर है, तो 7.5 मीटर का 1.46 जब इसका सुपर एलिवेशन निकालेंगे तो ये 109 mm आएगा। तो 109 mm और यहाँ पे 50 mm और ऐड कर देंगे तो करीब 160 mm के करीब यहाँ पे आपका सुपर एलिवेशन आएगा। उतना इस शटरिंग प्लेट को ऊपर किया गया है, आप जो कि आप ये किया गया है शटरिंग प्लेट उसको देख सकते हैं, ये एन डायफ्राम है। तो दोस्तों आपने समझ गया है, वहाँ पे 50% है और यहाँ पे 160 mm है इसका सुपर एलिवेशन, ये A2 साइड है। और मैं आपको P18 के तरफ लेकर के चल रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको सुपर एलिवेशन दिखाता हूँ। ये साइड दोस्तों P18 है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 mm का थिकनेस है, ये जो बियरिंग का टॉप लेवल है वहाँ से 50 mm हाइट है शटरिंग का, जो सोफिट का स्लैब होगा यहाँ से 50 mm हाइट पे है। और यहाँ पे ये कंक्रीट का वेजेज आएगा यहाँ से लेकर के एज पर सुपर एलिवेशन के अनुसार जो ड्राइंग में दिया हुआ है 5.3%, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक सेम इसका जो विथ है सोफिट स्लैब का 7.5 मीटर है। तो 7.5 मीटर का 5.35% अगर इसका हम निकालेंगे सुपर एलिवेशन तो ये आएगा 401 mm। मैंने ऑलरेडी डिटेल कैलकुलेशन दिखाया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में, तो ये 401 mm आएगा। और यहाँ से 50 mm जो ड्राइंग में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये मिनिमम वेजेज आएगा यहाँ पे, इसका मतलब है वो जो बियरिंग का टॉप लेवल है एकदम बराबर है और ये कंक्रीट का वेजेज एक एक्स्ट्रा आ रहा है इस पर उस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो सुपर एलिवेशन को मेंटेन करेगा। यहाँ पे आपने देखा कि इसको कैसे सुपर एलिवेशन के अनुसार ये शटरिंग किया गया है। अब मैं आपको इसका जो कैंटिलीवर पोर्शन है उसको दिखा रहा हूँ। सिंपली सपोर्टेड जो RCC वॉइडेड स्लैब है ये बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल से जो कैंटिलीवर पोर्शन का हाइट है एक साइड 700 mm का है जो कि ड्राइंग में दिया हुआ है। यहाँ से सिर्फ फिर यहाँ से और ये 500 का हाइट पे आएगा, ये भी मैं आपको ड्राइंग में दिखा देता हूँ। और यहाँ से फिर ये बैरिज है, बैरिज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड का अलाइनमेंट है वो कर्व में है, कर्व होने की वजह से ये वाइडनिंग बैरी कर रहा है। इसमें जो ये सोफिट स्लैब है ये बैरी नहीं कर रहा है, इसका जो
ये विथ है कैंटिलीवर का, ये वेरी करेगा। उसके अनुसार इसमें जो सुपर एलिवेशन है वो भी उसके जो लेंथ के अनुसार। दोस्तों ये ड्राइंग का सेक्शन 2-2 है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना होगा, क्योंकि ये टॉप से दिया हुआ है 500 और ये टोटल जो इसका थिकनेस है 1200 mm का है ड्राइंग में दिया हुआ है। तो 12 में से 500 माइनस कर देंगे तो ये 700 बचेगा। इसमें जो वही ये थिकनेस है, यहाँ पे जो ये शटरिंग प्लेट का जो ये हाइट है ये है 700 mm, और 700 mm से यहाँ से फिर ये ऊपर 500 जाएगा और उसके बाद से वहाँ पे 200 mm आएगा एज पर इसके विथ के अनुसार। जो एंड पर्सन आएगा कैंटिलीवर का वहाँ पे 200 mm आएगा। देखिए यहाँ पे ड्राइंग में लिखा हुआ है 200 mm। तो दोस्तों ये हो गया पूरा टॉप का स्टेजिंग अरेंजमेंट और इसमें कैसे प्लेट को प्लेसिंग किया गया है, फिक्सिंग किया गया है, सारा डिटेल। अब मैं इसके जो बॉटम में किस टाइप का अरेंजमेंट किया गया है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों P18 का कैप, जिसमें दो स्टेप में कैप दिया हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे जो ये स्टेजिंग अरेंजमेंट किया गया है, ये स्पान P18 से A2 के लिए है, इसीलिए इसको यहाँ से इधर नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पे ये एक्सपेंशन जॉइंट आएगा। एक्सपेंशन जॉइंट क्यों आएगा, क्योंकि ये जो स्पान है सिंपली सपोर्टेड है, ये RCC कंटिन्यूस वॉइडेड स्लैब नहीं है। कंटिन्यूस होने से इसमें ये जो एक्सपेंशन गैप है वो नहीं आता है। वो कब आएगा, जहाँ पे वो पियर एंड कर रहा है वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट आएगा, इसीलिए इसको यहीं तक स्टेजिंग किया गया है। इसके नीचे क्या है आप देखिए, ये ISMB 300 है, उसके नीचे ISMB 125 का है। एज पर लेवल के अनुसार इसको लगा करके स्टेजिंग किया गया है टॉप में भी और बॉटम में भी। उसके बाद ये बियरिंग के बॉटम में आप देख सकते हैं वुडन गुटका के साथ इसका स्टेजिंग किया गया है। ये हो गया दोस्तों सोफिट स्लैब का। अब मैं इसके कैंटिलीवर पोर्शन का जो स्टेजिंग अरेंजमेंट है उसको दिखा रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं ये कैंटिलीवर का स्टेजिंग अरेंजमेंट है, जिसमें ISMB 300, उसके ऊपर ये ISMB 125 का है, फिर MS पाइप एज पर लेवल और उसके सुपर एलिवेशन के लेवल के अनुसार, ग्रेडियंट के अनुसार इसको प्लेसिंग किया गया है। कैंटिलीवर के दूसरे साइड भी सेम उसी तरह से इसका स्टेजिंग अरेंजमेंट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये जो टोटल लूप है इस बायोडक्ट 7 का 377 मीटर का है। ये कैंटिलीवर पोर्शन और सोफिट जो स्लैब है इसका स्टेजिंग जो अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया ISMB 300, ये सब के नीचे क्या है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब के नीचे सेम इसी स्पान के तरह आप देख सकते हैं, नीचे बॉटम में सबसे पहले PCC करके M25 ग्रेड का ये राफ्ट किया गया है 300 mm थिकनेस का। उसके बाद से इसमें कॉलम हेड के बाद इसके हाइट के अनुसार टावर का अरेंजमेंट करके सीधा टॉप तक आप देख सकते हैं ये सुपर एलिवेशन में कहाँ पे कितना। ये जो कॉलम हेड है 100 mm का, 150 mm का, 200 mm का, डबल एज पर सुपर एलिवेशन के अनुसार ये प्लेसिंग स्टेजिंग का अरेंजमेंट किया गया है। उसके बाद से दोस्तों टावर को स्टेबल रखने के लिए क्रॉस ब्रेसिंग, एंगल क्लीड और 12 mm के टाई रड के दोनों साइड थ्रेडिंग करके इसका क्रॉस ब्रेसिंग किया गया है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इसको कैसे क्लैंपिंग किया गया है।
और इसके ऊपर फिर ये जो ISMB 300 का क्रॉस गडर आप देख रहे हैं, इसमें ये जो क्रॉस गडर है, क्रॉस गडर के जहाँ जहाँ पे कॉलम आ रहा है वहाँ पे स्टिफनर लगाया गया है उसके बीच में। ये स्टिफनर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस ISMB को स्टेबल या टर्क होने से बचाने के लिए, ये ट्विस्ट ना हो, इसलिए उसके जो बीच बीच में जहाँ जहाँ पे ये कॉलम आ रहा है उसके सामने दोनों साइड में हमको वो लगाना पड़ता है स्टिफनर। उसके बाद हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ट्रस अकॉर्डिंग टू लेंथ के अनुसार, इसका जो लेंथ है 14 मीटर 800 का है, हमारे पास जो ट्रस है 8 मीटर 800 का है, 14 मीटर 800 का है और 10 मीटर 400 का है, तो इसका स्पान कैरेजमेंट के अनुसार ट्रस को फिक्स किया जाता है। उसके बाद से ये एडिशनल जो विथ ज़्यादा हो जाता है उसके बाद से ये एडिशनल लगाया जाता है, इसमें इसके ऊपर कैप रख करके और ISMB 300 रख करके और उसके बाद ISMB 125 का थ्रू आउट रख करके इसका विथ की में अनुसार 600 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग डाल के इसका स्टेजिंग किया जाता है, उसके बाद से उसको क्लैंपिंग किया जाता है। सारा डिटेल में अभी जैसे आपने देखा उसको मैं आपको इसके जो स्लैब हुआ है मैं नीचे उतर करके आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको बॉटम से इसका ट्रस का डिटेल और स्टेजिंग अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। ये 8 नंबर ऑफ ट्रस लगे हुए हैं, ISMB 300 का जो क्रॉस गटर दिया गया है टावर के विथ के डायरेक्शन में, उसके ऊपर से ये ट्रस को प्लेसिंग किया गया है। आने वाले जितने भी स्पान हैं सबका डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।